नमस्कार, आप देख रहे हैं द लल्लनटॉप.com और मैं हूं निखिल। गोरखपुर की पुलिस ने गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार कर लिया है फिर से। डॉक्टर कफील की तारीफ ये कि वो बाबा राघवदास माने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक वक्त डॉक्टर होते थे, और बीआरडी मेडिकल कॉलेज की तारीफ ये कि इसी अस्पताल में पिछले साल 7 से 11 अगस्त के बीच 60 बच्चों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो गई थी। इन मौतों के बाद डॉक्टर कफील को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। करीब 8 महीने बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर डॉक्टर कफील खान इस साल 29 अप्रैल को रिहा हुए थे। डॉक्टर कफील की हालिया गिरफ्तारी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले बताते हैं उस मामले के बारे में जिसमें वो 22 सितंबर के रोज़ गिरफ्तार हुए थे। उत्तर प्रदेश में एक तराई का इलाका है जो नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। यहीं एक ज़िला पड़ता है बहराइच नाम से। यहाँ पिछले 45 दिनों में 70 बच्चों की मौत हुई है। इन मौतों की जांच के लिए बिना किसी के बुलाए डॉक्टर कफील खान बहराइच के ज़िला अस्पताल पहुँचे थे। डॉक्टर कफील ने ज़िला अस्पताल के डॉक्टर्स पर यहाँ पहुँचकर बच्चों के इलाज में लापरवाही बरतने का इल्ज़ाम लगाया और इस बात पर खूब हंगामा हुआ। डॉक्टर से कफील की बहस हुई थी, जिसके बाद ज़िला अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स ने पुलिस बुला ली थी। इस पूरे मसले पर डॉक्टर कफील खान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस, बहराइच पुलिस ने माफ़ कीजिएगा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एएसपी अजय प्रताप के मुताबिक ज़िला अस्पताल में हंगामा करने और डॉक्टर्स के साथ हाथापाई करने के आरोप में कफील खान को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें एक मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उन्हें बेल मिल गई। अब आते हैं डॉक्टर कफील की जो लेटेस्ट गिरफ्तारी हुई है उस पर। बहराइच में जमानत मिलने के एक दिन बाद ही गोरखपुर की पुलिस ने एक बार फिर से डॉक्टर कफील को गिरफ्तार किया। साथ में अरेस्ट हुए कफील के बड़े भाई आदिल। गोरखपुर की कैंट पुलिस के CO प्रभात राय के मुताबिक डॉक्टर कफील और उनके भाई आदिल ने फर्जी दस्तावेज के जरिए बैंक में खाता खुलवाया और उसमें करीब 2 करोड़ रुपए का लेन देन किया। इसी आरोप में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। गोरखपुर के राजघाट इलाके के शेषपुर में रहने वाले मुजफ्फर आलम ने 2 जून 2018 को कैंट थाने में केस दर्ज करवाया था। मुजफ्फर डॉक्टर कफील के भाई आदिल की दुकान में कर्मचारी रह चुके थे। मुजफ्फर का ये कहना है कि उनकी पिक्चर और उनके ड्राइविंग लाइसेंस का गलत इस्तेमाल करके आदिल ने फैजान के नाम से एक यूनियन बैंक की एक ब्रांच में 2009 में एक खाता खोला था। इस खाते में 2009 से 2014 के बीच 2 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। इस खाते के जमानतदार खुद आदिल थे, यानी कि कफील के बड़े भाई। पुलिस के मुताबिक आदिल ने मणिपाल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और इस पढ़ाई के लिए डॉक्टर कफील खान ने इसी खाते से 381,000 रुपये की DD बनवाकर फीस जमा की थी। जब 2014 में मुजफ्फर को इस बात का पता चला तो उसने डॉक्टर कफील और आदिल से शिकायत की और तब जाकर इस खाते को बंद किया गया। 2 जुलाई 2018 को मुजफ्फर की तहरीर पर पुलिस ने आदिल के खिलाफ एक केस दर्ज किया। CO प्रभात राय के मुताबिक पुलिस ने अपनी जांच में पाया है कि इस खाते का उपयोग आदिल के साथ ही डॉक्टर कफील भी करते थे, इसीलिए पुलिस ने आदिल के साथ ही डॉक्टर कफील पर भी केस दर्ज किया है। वहीं जिस फैजान के नाम से खाता खोला गया था उसके खिलाफ भी पुलिस ने केस दर्ज किया है। 23 सितंबर की दोपहर जब डॉक्टर कफील बहराइच से जमानत पर रिहा होकर गोरखपुर के बसंतपुर वाले अपने घर में जा रहे थे तो कैंट पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। कफील के अरेस्ट होने और छूटने में हमारी दिलचस्पी ये है कि कफील जब पहली बार गिरफ्तार हुए थे तो खूब बातें हुई थी कि कफील की बलि देकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुई बच्चों की मौत से पल्ला झाड़ना चाहती है। कहा गया कि कफील विछंड किए जा रहे हैं और संयोग का नाम दीजिए या फिर कुछ और कहिए, कफील लगातार गिरफ्तार हो भी रहे हैं। सच क्या है हमें फिलहाल नहीं मालूम है। हमारे पास जो ठोस जानकारी थी हमने आपको दी, आगे भी देते रहेंगे इसी तरह की वीडियोस बनाकर। उन सबको अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए जो फेसबुक पर है, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब एक नया अपडेट ये भी है कि हमारा ऐप आ गया है द लल्लनटॉप। ऐप स्टोर से आप उसे डाउनलोड कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और इसका एक्सपीरियंस लीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस ऐप में कोई बग है या फिर स्कोप है सुधार का तो हमें लिखिए, हम कोशिश करेंगे इस ऐप को बेहतर बनाने की। बहुत बहुत शुक्रिया।